क्या मल्टी स्टारर फिल्म से होगी सक्सेस की गारंटी? एक्टिंग से जीत पाएंगे सुपरस्टार्स आम जनता का दिल? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में दो वजह से चलती हैं, या तो फिल्म की कहानी दमदार हो या ऑडियंस को बांध कर रखे और फिल्म को देखने का ऐसा एक्सपीरियंस दे जो फिल्म को हिट कर दे, या फिर फिल्म में कोई सुपरस्टार हो। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए कई सारे नए एक्टर्स फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और साथ ही इन फिल्मों की दमदार कहानियों ने सबका दिल जीता है। वहीं दूसरी ओर सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स तक अपनी फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीत नहीं पाए, जैसे कि सलमान खान की आई फिल्म राधे और अंतिम द फाइनल ट्रुथ के साथ जो हुआ वो आपने देखा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में स्टार पावर फीकी पड़ गई है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ कि मल्टी स्टारर फिल्में जो अक्सर अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल कर सक्सेस पाने की कोशिश करती हैं, अब बड़े पर्दे पर नहीं टिक पाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं इन मल्टी स्टारर फिल्मों के बारे में, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल जल्दी ही एक मल्टी स्टारर फिल्म देखने को मिलेगी। साउथ की कई मूवीज के बाद एक और मूवी ने फैंस को क्रेजी कर दिया है। एक नई फिल्म का नाम है आचार्य। इसका टीजर हाल ही में जारी किया गया था। फैंस की दीवानगी का आलम यह है कि इस टीजर को देखकर फैंस से इस फिल्म का इंतजार नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह है इस मूवी में साउथ के बड़े स्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण का एक साथ स्क्रीन शेयर करना। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजल अग्रवाल नजर आएंगी, जो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। चिरंजीवी रामचरण और काजल अग्रवाल अभिनीत आचार के डायरेक्टर कोटाला शिव हैं। इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने। अब जिस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी होगी उससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि फिल्म सुपरहिट होगी, लेकिन अब फिल्म की कास्ट अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस कर पाती है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये फिल्म जब भी थिएटर में आएगी तो क्या धमाका होगा ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।